गाइज़, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी हो चुकी है सुबह और मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट यहाँ पे सैंडविच और सॉस के साथ। सॉस का क्या चुप है, चुके ले आए थे एंड डी मार्ट से लाए थे एंड दो दोस्तों से निकाल के बैठ गई टपोरी बन गई। भाई बेडशीट मैंने अभी भी ऑर्डर रखी क्योंकि सुबह सुबह उठते ही ना ठंड से लगती है, गर्मी में भी ठंड सी लगती है। लेट्स ईट दिस। मुझे है ना विदाउट सॉस पसंद है, हम सॉस थोड़ा कम खाएंगे। मुझे स्पाइस से ज़्यादा पसंद है इसलिए। एंड गाइस, कल का मिनी व्लॉग था वो भी आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा मिनी था बट आज का नहीं होगा, प्रॉमिस। गाइस यहाँ पे मैं आम खा रही हूँ और ये इतना बड़ा था ना कि रियली में बहुत टेस्टी था। एंड सामने मम्मा का सीरियल चल रहा है और इसकी मतलब जो वाइब थी ना एकदम मीठा मीठा मस्त था। और आज का आउटफिट ब्लैक टी शर्ट ब्लू शरारा। सो गाइज़, अभी शाम हो चुकी है और पापा और मैं जो हैं वो किसी काम से चले गए थे, कुछ इम्पोर्टेंट काम था। तो यहाँ का मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से ये कितनी प्यारी ग्रीनरी है। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कितने प्यारा सा पार्क है और ट्रीज़ है ना, कितने क्यूट लग रहे हैं। और वहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड का नाम तो नहीं पता। और बादल का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। उसके बाद मेन रोड पर पहुँच गए जहाँ पे ये रेड लाइट्स ग्रीन लाइट्स होती है। फिर उसके बाद ये रहे गांधी जी, जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं। सेकेंड सेकेंड प्लीज़ गांधी जी ना, वरना मेरे को नहीं पता कि ये गांधी जी है कि नहीं। और यहाँ पे स्टॉप हो गए थे, फिर उसके बाद आगे चले। आगे चलते ही फिर से ये प्लांटिंग ट्रीज आ गए जो कि बहुत ही प्यारे थे, मतलब पूरा रोड प्यारा था। और ये हमारा भारत का इंडियन फ्लैग। एंड इसके बाद स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद जैसे चला तो आप लोगों को दिखाया कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय यहाँ पे आते, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोड आता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी चलती रहती है, तो ये वाली यूनिवर्सिटी भी। और यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं ना वो आपको डुप्लीकेट लग रहे होंगे, लेकिन ये सच में इतना अच्छा मौसम था कल अगर आप हो तो। और यहाँ पे ये जो है ना, ये चीज़ है, मतलब ये जो जगह है ना इसका नाम आप गेस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। ये है बिरला मंदिर, जो कि दूर से ही दिख रहा होगा आपको।
घर पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये इंडियन जैसे मतलब इंडियन फ्लैग जैसे जो है वो लाइट के लग रहे हैं। और रात हो चुकी थी इस वक्त और हम आ चुके थे कुछ काम से जो जा रहे थे, वो इम्पोर्टेंट वर्क था इसलिए मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन अब हम आ चुके हैं और अभी चल रहे हैं घर सीधा। और घर जाते हुए कभी भी दिखा देती हूँ, स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था।